तो भाई अब आप सोच लें कि कितना मेहनत का काम होता है ब्रीडर के पास और कितना सबर का इम्तिहान चलता है उसके लिए। कि जाहिर सी बात है, अब आपने देखे एलन टर्नर जो भाई थे हमारे ब्रीडर, जो कि एक फार्म पर खाली काम करते थे, फोटोग्राफी उसका पैशन था और किस तरीके से उसने अपने आप को कवर कर लिया, अपने आप का इतना बड़ा नाम बना लिया उसने। और 80 ग्रे चारकोल उसने 1999 नवंबर के अंदर इंट्रोड्यूस करके दिए थे। आते 5-15 अंडे अनफर्टाइल, 2 अंडे फर्टाइल हुए, मेल फीमेल हुए, बड़े हुए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरा, अलग करने का टाइम आया तो वो बच्चे मर गए। तो मतलब आप सोचे यार किस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड, दिस इज लारिब अली सैयद, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चारकोल ज़ेब्रा फिंच। जी हाँ, इंग्लिश ब्लड लाइन चारकोल, ये किस तरह प्रोड्यूस हुआ, क्या तमाम इसकी इंफॉर्मेशन और किस सदी से, कौन से ईयर से चलता चला आ रहा है, कौन से ब्रीडर्स ने इसके ऊपर वर्किंग करी है, ये तमाम बातें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। ये रहा हमारे साथ ही आज यहाँ पे मौजूद चारकोल, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। अभी मैं आप लोगों को ज़रा करीब से सही से थोड़ा सा और दिखाता हूँ, इसकी तमाम एक्टिविटीज़ इसके बारे में बताता हूँ, इसकी पहचान बताता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने यार ये चारकोल के साथ इसकी फीमेल क्यों नहीं दी हुई, यार ये तो ज़्यादती है या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो भाई चारकोल के साथ ये जो फीमेल है ये फ़ोन की फ़ीमेल नहीं है, ऑरेंज की फ़ीमेल नहीं है, ये बिल्कुल चारकोल स्प्लिट है, ठीक है। ये ब्रीड पर डाला हुआ बर्ड है, बर्ड डिस्टर्ब होता है आप लोग जानते हैं। तो चलिए ज़रा आप लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं इसकी क्या तरतीब है, मेलेनिस्टिक क्या होता है बर्ड, कौन सा बर्ड मेलेनिस्टिक में आता है और ये किस तरीके से बना। जी हाँ, ये भी मेलेनिस्टिक से ही बना है। और किस तरीके से कितनी जनरेशन इसके ऊपर लगी हैं, कितनी वर्किंग इसके ऊपर हुई है और उसके बाद ये क्या ज़बरदस्त चीज़ प्रोड्यूस हुई है। और माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये ब्लैक होता है, ब्लैक इसके चीक्स, इसका चेस्ट, इसका ब्रेस्ट, इसका हेड, इसकी आईज, इसकी जॉ लाइन, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी एक्टिविटीज़ है और इसकी फेस की पूरी बनावट है माशाल्लाह से। और इसकी जो टेल है बिल्कुल टोटली ब्लैक होती है, बनिस्बत है कि दूसरी इंग्लिश ब्लड लाइन ज़ेब्रा हो गई या कोई सी भी फिंच के, क्योंकि उनकी उसके ऊपर ज़ेब्रा की लाइंस आ रही होती हैं, धारियां आ रही होती हैं, लेकिन ये प्योर ब्लैक होती है। तो चले आए आज आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी मेलेनिस्टिक म्यूटेशंस के हवाले से अभी मैं एक नाम ले रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे क्या कौन सी म्यूटेशन आ गई मेलेनिस्टिक। यार मेलेनिस्टिक वैसे बेसिकली एक बीमारी है लोग के, आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ ही पसंद करते हैं और उसको म्यूटेशन का नाम दे देते हैं। तो खैर इसी तरीके से ये एक उसी में से म्यूटेशन में से बना है और कब काफ़ी ज़्यादा नायाब है और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ये है ही नहीं इतनी क्वांटिटी के अंदर, इतनी और इस तरीके की क्वालिटी के अंदर। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बर्ड है, इसके आप डाउन फेदर्स, बॉटम फेदर्स देखें किस तरीके से रेडिश ब्राउन आ रहे हैं, इसका चेस्ट ब्लैक है, बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म का है। इसके साथ ये स्प्लिट की एक हैन है इसकी, ब्लैक चिक की। अच्छा, इसके अगर आपको टेल दिख रही हो माशाल्लाह से, तो बिल्कुल ब्लैक, जेट ब्लैक कलर की इसकी टेल होती है और इसकी शार्प फ्लाइंग है माशाल्लाह से वैसे इस बर्ड की। अच्छा, जो इसके साथ जो म्यूटेशंस इसके साथ ऐड हुई, किस तरीके से इसको बनाया गया, बेसिकली ये एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था इस बर्ड को, और जिसके अंदर ब्लैक फेस म्यूटेशन, आपने नाम सुना ही है, नॉर्मल जो ब्लैक फेस ब्लैक चिक होती हैं जंबो साइज़, इसके अंदर एक ये म्यूटेशन शामिल थी। इसके साथ एक ब्लैक फ्रंटेड भी एक म्यूटेशन थी 1959 के अंदर और 1965 के अंदर, इन दो म्यूटेशंस के तहत इसको एक बनाया गया था, जो कि एक चारकोल ज़ेब्रा फिंच, जो कि उसके अंदर उस बर्ड के उनके जो बच्चे आए थे उसके अंदर एक ऑटोसोमल रेसेसिव एक बच्चा निकल कर आया था माशाल्लाह से। तो ऑटोसोमल आप समझ रहे होंगे, ये भी कोई एक, ये खैर एक जीन्स आती है जो कि उनके पेरेंट्स के अंदर से चलती चली आ रही होती है, ये एक वो चीज़ है।
एडल्ट मेल की आपको मैं पहचान बता दूं, जनरल कलर इसके जो होते हैं विंग्स डार्क ग्रे, ग्रेश कलर के हैं, देखने जैसे आप लोगों को दिख रहे हैं। अच्छा, इसकी रंप जो है ब्लैक है, अपर टेल इसकी ब्लैक है, कवर्ड्स इसके ब्लैक हैं, शॉर्टर्स इसके जो है कवर डार्क ग्रे हैं। बहुत सारी इसकी सारी चीज़ें देखें ग्रेश और ब्लैकिश के ऊपर ही जाती हुई होती हैं। अच्छा, इसका जो चेस्ट है लाइट बैरेट ब्लैक कलर में है, और लोअर चेस्ट जो है इसका जो थोड़ा सा ग्रेश इसके अंदर शेड आ रहे हैं, और इसकी जो रेडिश ऑरेंज सी जो मैंने आपको बताया बॉटम फेदर्स जो आ रहे हैं वो माशाल्लाह से आपके सामने। इसके साथ इसके जो जब चारकोल इंट्रोड्यूस हुआ था तो कोई ख़ास इसका नाम रखा नहीं गया था, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर गोरे जो हैं इसको किस नाम से बुलाते थे, ब्लैक ब्लैक करके ही ज़्यादा नाम चल रहा था इसका। लेकिन कुछ अरसे बाद जाहिर सी बात है जब ये एक म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो चुकी थी तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गई, नहीं ब्लैक फेस था, ब्लैक चिक था, BBB 3BB, ये तो खैर बाद में बनी है काफ़ी म्यूटेशंस, तो ये ब्लैक के नाम से ही जाना जाता था। अब जाके फर्दर इसके अंदर माशाल्लाह से इसको एक जाके नाम दिया गया, आप लोगों को पता है चारकोल ग्रे ज़ेब्रा फिंच इंग्लिश ब्लड लाइन का ये बर्ड माशाल्लाह से है। इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री बड़ी इसकी मज़ेदार है यार, बड़े गौर से आप लोगों ने सुननी है, बताऊंगा मैं आप लोगों को ये कि इसकी हिस्ट्री ये है कि भाई जब चारकोल की म्यूटेशंस बन चुकी थी थोड़ी बहुत जाहिर सी बात है तो 1979 की ये बात है, और सिडनी वेस्टर्न सिडनी में इसका जब वर्किंग चल रही थी, इसके स्प्लिट्स आ रहे थे, सब कुछ सारी डिटेल्ड ब्रीडिंग चल रही थी, तो वहाँ पर एक ब्रीडर थे ब्रियूस क्यूबर्स फिदरडेल फार्म के, जिन्होंने जो के एक जेब्रा फिंच के ब्रीडर थे उनको ऑफर्ड करे थे 6-7 ग्रे फॉन चारकोल्स ना सेल के लिए। तो वहाँ पे एक उनका उन्होंने तो रद्द कर दी थी, उनकी लेने से मना कर दिया था कि नहीं उनकी नज़र में ये बेकार थी म्यूटेशन, लेकिन वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय उनके पास एक काम करता था उसका नाम था एलन टर्नर, तो उसने ये वाले बर्ड्स जो है उनसे ले लिए थे, परचेज कर लिए थे, और जो के उन्होंने पहले तो 20-30 हो रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक एम्प्लॉय था, वो नहीं इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकता था, तो उसने सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 बर्ड्स उनसे परचेज करे थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एलन टर्नर एक फोटोग्राफर था और ब्रूस क्यूबर्स के पास उसको काम करता था, जॉब करता था, और उसको एज अ प्रोफेशन था, उसका पैशन था फोटोग्राफी, लेकिन उसने ये पर्सनल यूज़ के लिए एक ये पेयर लिया था, और जो कि जाहिर सी बात है जितने ब्रीडर्स हैं उनकी कोई ना कोई शॉप वगैरह भी कुछ होती है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके, तो खैर ये फर्दर ब्रीडर टू ब्रीडर ये सारी बातें पहुंचती रहती हैं किसके पास क्या पड़ा हुआ है, भाई हमारे पास ये सिद्दीकी बर्ड फार्म पर ये मिल जाएगा, तो काफ़ी दूर दूर से काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं। तो इसी तरीके जॉय नाम का एक ब्रीडर था जो कि इस म्यूटेशन के ऊपर वर्किंग करना चाहता था, और जैसे ही उसको पता चला कि भाई एलन टर्नर की शॉप पर ये मौजूद है, और ये 1998 की बात कर रहा हूँ मैं, 1998 बता रहा हूँ आप लोगों को, कि उसने जब ये देखा फर्स्ट टाइम उसने देखा था ये चारकोल ग्रे, और उस टाइम इसकी मैं आपको बताऊं $20 के अंदर उसने परचेज करा था ये उस बंदे से, और उसके जाहिर सी बात है हर कोई फिर उसको खुशी खुशी उसको वर्किंग तो करनी होती है, और फिर तकरीबन 2 महीने के बाद उसने जब ये उसके पास आ गए थे लेकर आ गया था, उसके बाद उसने क्या वर्किंग करी ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब एलन टर्नर का गेम खत्म हो गया भाई, इसके बाद अब आ गया जॉय, तो जॉय का जो भाई ब्रीडिंग प्रोसीजर है बहुत लंबा ब्रीडिंग प्रोग्राम था उसका, और जो कि उसके तकरीबन 3 एम्स थे, जाहिर सी बात है इसकी बिल्कुल फर्दर इन डिटेल इसकी म्यूटेशन के ऊपर वर्किंग करना, तो उसने काफ़ी सारी पेयरिंग करी इसके ना, फर्स्ट पेयरिंग मैं आपको बताता हूँ, तो उसने फर्स्ट पेयरिंग जो थी फॉन चारकोल मेल था उसके पास और ग्रे फीमेल थी, इसकी पेयरिंग से जो उसके पास बच्चे निकल कर आए थे वो ग्रे मेल निकल कर आया था फॉन चारकोल, और स्प्लिट्स फॉन फीमेल चारकोल जैसे कि इसके साथ लगी है फॉन फीमेल, क्योंकि ये इसकी स्प्लिट्स निकलती हैं। अच्छा, अब बारी आ गई सेकंड पेयरिंग की, सेकंड पेयरिंग भी जाहिर सी बात है भाई ने इसी से ही करी, और इससे इसके अंदर बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसी से करी, इसी से यानी कि फॉन चारकोल मेल था और ग्रे चारकोल की फीमेल थी। अच्छा, इसकी सेकंड पेयरिंग के अंदर भाई भाई ने 3 क्लचेस लिए, और जो कि 5 अंडों पे 1 क्लच मुश्तमिल था, और आप देखें ज़रा मतलब ब्रीडर होना ना यार बड़ी एक दिल पे पत्थर रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत सब्र का फल बहुत मीठा मिलता है जाहिर सी बात है, तो अब इसको आप फल देखें कितना जाहिर सी बात है आज ये हिस्ट्री में मौजूद है किसी वजह से। हम लोग यार एक दो वर्किंग करने के बाद थक जाते हैं, बोलते हैं बस चलो यार शाबा कटो भगाओ इसको छोड़ो, तो खैर अब सेकंड पेयरिंग जब इसने ये करी, इसने 3 क्लचेस लिए, 3 क्लच के अंदर 5-5 अंडे आए भाई, 5-5 अंडे सब खराब, यानी कि 15 अंडे दिए, 15 अंडों के अंदर से यार
सिर्फ और सिर्फ दो अंडे फर्टाइल हुए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो अंडे। आप इससे सोचें, इसकी इसका सबर का इम्तिहान। और इसके बाद जो चारकोल मेल इसके अंदर से निकला और चारकोल की फीमेल जो निकली उन उन दो अंडों में से, देखें अब बेचारे के ऊपर क्या बीतरी होगी। जब वो सेल्फ होने लगे और जब उनको अलग कराया जा रहा था उनके पेयरिंग से, जाहिर सी बात है उनसे और ब्रीड लेनी थी, तो जैसे ही उनको अलग करने का सोचा ही जा रहा था भाई, वो दोनों बच्चे भी मर गए। ये पूरी एक बड़ी डिटेल्ड हिस्ट्री है ये माशाल्लाह से। उसके बाद फिर दोबारा से वही थर्ड पेयरिंग स्टार्ट हुई, और फॉन चारकोल से और चारकोल फीमेल उसकी जो डॉटर थी जो फर्स्ट क्लच से आई थी, उससे फिर और स्प्लिट्स निकले बनाए गए। देन फर्दर थर्ड पेयरिंग, फोर्थ पेयरिंग, फिफ्थ पेयरिंग, सिक्स्थ पेयरिंग, इवन के नाइन्थ पेयरिंग, टेंथ पेयरिंग के ऊपर कहानी पहुंच चुकी थी। और सन 1999 पे ये बात आ गई थी, एक साल होने को था तक, जब नाइन्थ, मैं आपको नाइन्थ भी छोड़ें, टेंथ पेयरिंग जब आपको मैं इसकी बताता हूँ, तो इसके साथ जो पेयरिंग करी गई ग्रे मेल और चारकोल फीमेल, उसके बाद जो इनको रिजल्ट्स मिले तो भाई वो काफ़ी कामयाब थे, जिसकी वजह से आज ये हमारे पास ये बर्ड्स मौजूद हैं। तो भाई इन्हीं गोरों की वजह से हम लोग तो इतनी नहीं करते मेहनत, हम लोग तो इतनी सी चीज़ों के अंदर थक जाते हैं। तो इसके पास जो फिर भाई बहुत सारे, जाहिर सी बात है इतनी सारी पेयरिंग के ना बहुत सारे ब्रीडर्स जुड़ते जाते हैं, जाहिर सी बात है सबके एक्सपीरियंस बनते जाते हैं, मिलते जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आप लोगों को पता है कि यही कहानी है कि यार ये मेरे पास निकल गया, मैंने इसको निकाला है तो मैं इसका सॉल्यूशन क्यों दूँ। आजकल हर कोई ये बड़ा सोच रहा है, तो खैर ऐसी बातें नहीं है। अब इसके अंदर भाई देखें, ये जो इसने लास्ट पेयरिंग करी थी ना, इसके पास से इसने तकरीबन 2 से 3 क्लचेस लिए, जिसके अंदर से भाई 9 ग्रे स्प्लिट्स चारकोल और 5 ग्रे स्प्लिट्स चारकोल फीमेल्स निकल कर आई। और ये ब्रीडिंग रिजल्ट जब एंड पर पहुंचा तो क्या अच्छा सिनेरियो था उन ब्रीडर्स के पास। तो भाई ये 1999 नवंबर जो कि अभी चल रहा है, ये आप तकरीबन 20 22 23 साल पीछे चले जाएं तब की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये 80 बर्ड्स प्रोड्यूस करे गए थे। तो भाई अब आप सोच लें कि कितना मेहनत का काम होता है ब्रीडर के पास और कितना सबर का इम्तिहान चलता है उसके लिए। कि जाहिर सी बात है अब आपने देखें, एलन टर्नर जो भाई थे हमारे ब्रीडर, जो कि एक फार्म पर खाली काम करते थे, फोटोग्राफी उसका पैशन था, और किस तरीके से उसने अपने आप को कवर कर लिया, अपने आप का इतना बड़ा नाम बना लिया उसने। और 80 ग्रे चारकोल उसने 1999 नवंबर के अंदर इंट्रोड्यूस करके दिए थे। तो खैर ये हिस्ट्रीज़ होती हैं जो कि पढ़ने में भी मज़ा आता है। मैंने आप लोगों को पढ़कर बताई, आप लोगों को नहीं पता होगी भाई चारकोल की हिस्ट्री क्या थी, कैसे थी और किस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ। तकरीबन तकरीबन 10 पेयरिंग करी उसने, 10 से भी पता नहीं कितनी 50 ब्रीड्स ली हैं यार, 3 3 क्लचेस ले रहे हैं एक एक पेयर से, जाहिर सी बात है 5 15 अंडे अनफर्टाइल, 2 अंडे फर्टाइल हुए, मेल फीमेल हुए, बड़े हुए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरा, अलग करने का टाइम आया तो वो बच्चे मर गए। तो मतलब आप सोचे यार, किस हमारे साथ भी इसी तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो रही होती हैं, हम बच्चे बना रहे होते हैं, बहुत सारी म्यूटेशंस पे काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बच्चा बहरहाल एंड में आके मर जाता है वीक ब्लड लाइन होने की वजह से। तो उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन करी, इसको इतनी सारी पेयरिंग करी, इतनी जनरेशन पे उनके काम करा, और फिर इन द एंड उसने अपने सबर का फल बहुत अच्छा खाया, और जो कि माशाल्लाह से ये कई बहुत सारे ब्रीडर्स के साथ मिलकर हुआ ये काम। और हम अपने आप को बड़ा पता नहीं क्या बादशाह समझ लेते हैं, क्या समझते हैं पता नहीं, अगर हम किसी एक चीज़ पे वर्किंग कर लें तो उसको दूसरे का हल सॉल्यूशन बताते ही नहीं है। तो भाई मिलकर काम कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और कुछ पूछना हो पूछें, भाई हाजिर है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम सब देंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। तो ये था हमारा VIP सा चारकोल ग्रे का पेयर, और माशाल्लाह से आप लोगों ने जैसा कि देखा, अब इसके ऊपर फर्दर हम लोग ब्रीड करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला होप सो आप लोगों को फिर इसके चिक्स भी देंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। आज हमने चारकोल आप लोगों को बताया, बड़ी इन डिटेल वीडियो थी, इंशाल्लाह ताला होप सो आप लोग सब शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स अपने सर्कल के अंदर। और तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त, अपना सबने ख्याल रखना है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।